हेलो गाइस, वेलकम टू तारिणी मीडिया। तो गाइस, कुछ ऐसे बोने जो कि इन्हीं हजारों साल पहले कुछ ऐसा बना के गए जिन्हें आज भी दोबारा याद करा जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में दोबारा देखने को मिलेगा, यानी कि ओडिन। ओडिन ने इन्हें किसी हजारों साल पहले अपने दोनों बेटों के लिए कुछ न कुछ खास बनवाया था, जिसमें कि हमें सबसे पहला क्लू मिला उस कैरेक्टर का गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में, जो कि छोटी सी बॉल में था, यानी ऑर्ब की गोली की डुप्लीकेट में, जिसमें कि वो बोना था जिसको हम एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में देखेंगे। और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो बोना हमें देखेगा उसी ने ही बनाया था थॉर का थोड़ा। और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में जो एक बड़ी सी मशीन दिखाई है, यानी कि बड़े बड़े वेपन दिखाए, वो सारे इन्हीं बोनों ने बनाए थे। और थॉर का थोड़ा भी इसी बोने को क्रेडिट दिया जाता है बनाने का। तो ये थोड़ा जो अब टूट चुका है थॉर रैग्नारोक मूवी में, अब उसे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक अल्टीमेट थोड़ा का थोड़ा मिलेगा, जो कि उरु धातु का बना हुआ था। और पॉसिबल जो कैरेक्टर नजर आ रहा है सामने, पीटर डिंकलन, जो कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स के सुपरस्टार हैं, और ये काफी कमाल के कैरेक्टर हैं। और मे बी अभी तक जो फैन थ्योरी आ रही है कि इसी कैरेक्टर को ये करेंगे, यानी पीटर डिंकलन ही पिप द ट्रॉल उस बोने का रोल करेंगे। और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो अब तक हमें सीन दिखाई दी है, और जो अब तक की सबसे बड़ी मशीन भी दिखाई दी गई है इस ट्रेलर में, जो कि काफी कमाल का सीन है। जैसा हमने पहले कैप्टन अमेरिका के साथ देखा था, उन्होंने हेलीकॉप्टर पकड़ रखा था, और उसके बाद स्पाइडरमैन को देखा, उन्होंने पूरी एक बोट संभाल रखी थी। अब हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थॉर के साथ देखने को मिल रहा है वो सीन, जिन्होंने पूरी एक मशीन पकड़ रखी है। तो ये पूरी बड़ी सी मशीन, ये एक वेपन है बहुत ही बड़ा, और ये भी उसी बोने ने बनाया, यानी कि पीटर टेंगल, यानी कि उस बोने ने, यानी कि पिप द ट्रॉल ने। तो गाइस, ये काफी कमाल की बात है कि पिप द ट्रॉल हमें आखिरकार एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेगा, और मे बी थैनोस उसके पास जाएगा। और मे बी अब तक ये पता चला कि थैनोस ने इन्फिनिटी गॉटलैंड बनाया था, बट एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में वो सारी चेंजेस कर दिए गए हैं, और वो सारे उसी बोने ने वेपन्स हथियार बनाए हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो फिर उस पे वल्चर के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।